हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल रिजल्ट्स वी लुकअप के साथ एक बार में लुकअप करे जा सकते हैं जैसे कि एक स्टूडेंट का नाम अगर रेम्बो है और यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं सात सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स इंग्लिश ज्योग्राफी केमिस्ट्री स्पेनिश हिस्ट्री कंप्यूटर्स इन सब के मार्क्स एक साथ हमने इस टेबल में से यहां पे लगा के देखने हैं तो कैसे आएंगे वो तो वो देखिए मैंने यहां पे फॉर्मुला लगा रखा है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मैं मैं उसको बस एंटर दबा रहा हूं और ये सारे मार्क्स एक साथ उसके यहाँ पे आ गए कैसे करना है मैं आपको बता ना ये बड़ा ही आसान है क्योंकि अगर आप रेगुलर वी लुकअप लगाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप इज इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे पहले इसके नाम को ऐसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप ये पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे ये और फिर लिखेंगे कॉलम टू मैथ्स के लिए कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर थर्टी एट आ गया अब मैं इसको अगर कॉपी करता हूं आगे तो इंग्लिश के मार्क्स देखिए मेरे एन ए आ गए क्योंकि मेरे को यहां पे कॉलम नंबर जो है वो सही डालना पड़ेगा और मेरा ये जो टेबल है ये भी देखिए सरक गया है तो इसके लिए भी मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा तो ये सब कैसे करेंगे मान लीजिए टेबल नंबर भी मैंने मेरा सही कर देता हूं पहले मुझे टेबल नंबर सही करना पड़ेगा मेरा तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा टेबल नंबर जो है वो ये है देखिए ऐसे चेंज करना पड़ेगा मुझे उसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा अभी भी आंसर गलत आ रहा है थर्टी आ रहा है थर्टी आना चाहिए तो मैं जाऊँगा यहां पे और बोलूंगा कि भाई यहां पे टू के बदले थ्री कॉलम होना चाहिए था तब सही आंसर आया अब ये सारी प्रॉब्लम अगर दूर करनी है तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं हम लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुक किसके बेस पे सर्च कर रहे हो नाम के बेस पे तो नाम को सेलेक्ट कर लो F4 दबा के लॉक कर दो तो इसको कॉमा फिर ये किस टेबल में सर्च कर रहे हो यहां पे सर्च कर रहे हो इसको भी सेलेक्ट करके F4 दबा के आप लॉक कर दो तो। कॉमा अब मुझे चाहिए कि जब मैथ्स का नंबर आए तो वो कॉलम 2 आए जब इंग्लिश के आंसर ढूंढना हो तो कॉलम थ्री दिखना चाहिए जियोग्राफी के लिए कॉलम फोर और कंप्यूटर्स के लिए कॉलम आठ इसके लिए मैं डायनेमिक एक फॉर्मुला यूज करूंगा जिसका नाम है कॉलम्स ये दो कॉलम्स के बीच में जो काउंट आती है कि भाई ये कि जितने कॉलम्स आपने सेलेक्ट करें उतने कॉलम्स की काउंट दे देता है आपको यहां पे दो कॉलम मैंने सेलेक्ट करे ये वाला और ये वाला तो ये दो कॉलम की काउंट दे देगा बस मैं एक काम क्या करूंगा मैं पहले कॉलम यहां पे बी लिख रहा है ना वहां पे जाके तीन बार एफ फोर दबाऊंगा ताकि ये कॉलम लॉक हो जाए और ब्रैकेट क्लोज करूंगा कॉमा जीरो दबाऊंगा ब्रैकेट क्लोज करूंगा अब इसको मैं कॉपी करूंगा देखिएगा सारे आंसर एक बार आ गए यहां पर मैं नाम बदलता हूं मान लीजिए मैं लिखता हूं पंकज तो ये पंकज के रिजल्ट्स आ गए और पंकज भी हाईलाइट हो गया ये कैसे सीख, बत करना ही मैं आपको लास्ट में बताऊं मान लीजिए मैं यहां पे अमृत के मार्क्स ढूंढता हूं ये ये देखिए कैसे करेंगे एक बार वापस से करते हैं पहले आपको कॉलम्स फॉर्मुला का एग्जाम्पल देता हूं ये देखिए ये जो कॉलम नंबर है मैंने खुद लिखे हुए कि ये कॉलम नंबर वन है ये टू है, है ये थ्री है ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट होगा ये इज इक्वल टू कॉलम्स से कि भाई दो कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए आप ब्रैकेट कलेक्ट कर क्लोज कर दीजिए देखिए इसने दो दे दिया आंसर यहां पे मैं अगर इसको आगे थ्री लाना है तो थ्री के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे ओ एल यू एम एन एस और तीन कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए आप तो थ्री आ गया और इसको डायनेमिकली अगर करना है तो हम क्या करेंगे देखिएगा इज इक्वल टू कॉलम्स

फिर टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपका आंसर है पॉसिबल उसको सेलेक्ट कीजिए उसको भी एफ4 दबा के फिक्स कर दीजिए फिर कॉलम्स का फॉर्मूला लगा दीजिए आपका बस क्या करना है दो कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए कोई से भी और उसमें स्टार्टिंग वाला कॉलम है उसके नंबर पे क्लिक करके तीन बार एफ4 दबा दीजिए फिर कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 एंटर और ये कॉपी कर दीजिए इसको और ये आगे तक ये आपके आ <laughs> ए स्पिल हो गया वापस एक बार लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू वी लुकअप नाम सेलेक्ट करा कॉमा डॉलर वैल्यू से लॉक कॉमा कॉलम्स दो कॉलम सेलेक्ट करें पहले कॉलम में जाके हमने तीन बार फुट दबा के लॉक कर दिया जीरो, एंटर बस आगे कॉपी कर दीजिए और आपका काम आ गया ये देखिए है ना आसान ये जो फाइल है ये अवेलेबल है डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट -e पे वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए और हम सीखते हैं ये बोनस की हाईलाइट कैसे हो रहा है कि अगर मैं जैसे ही नाम बदलता हूं तो वो ऑटोमेटिकली वही लाइन को हाईलाइट कर देता है ये देखिए तो इसको करने के लिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करी है उसके लिए मैं पहले हाँ पे जाके conditional formatting को हटा देता क्लियर रूल्स जहां जहां पे लगानी है आपने, आप उस को सेलेक्ट कर लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए न्यू रूल में जाइए और रूल में हम यूज ऑफ फॉर्मूला का ऑप्शन यूज करेंगे मैं इसको बता रहा हूं कि भाई इज इक्वल टू एंड फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ओपन कि अगर ये वाला जो सेल है इसमें ये अगर इज इक्वल टू इस वाले सेल के में जो लिखा है दोनों नाम अगर सेम है तो ये रो हाईलाइट कर देना बस इसमें एक बदलाव करना है कि यहां पे देखिए ये सेल में ना आपको डॉलर जो है कॉलम के आगे ही रखना है बस उतना ही करना है और फॉर्मेट पे जाएं और फिल में जाके कलर चुन लीजिए कोई सा भी ओके कर दीजिए ओके कर दीजिए और ये काम हो गया आपका अब मैं जो भी नाम डालूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा मैं सुपरमैन लिखता हूँ यहाँ पे उसके मार्क्स भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली वो भी हाईलाइट हो जाएगी है ना खूबसूरत तो इस तरह से यूज करते हैं आप वी लुकअप मल्टीपल रिजल्ट एट वंस फॉर अ वैल्यू उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में